अस्सलाम वालेकुम दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फरत का सलाम, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज खाने का टाइम तकरीबन होने वाला है और थोड़ा सा मेरे पास चिकन का सालन पड़ा हुआ था, मैं चाह रही थी कि उसके साथ मैं क्या बनाऊं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारी तकरीबन सब्जियां भी ख़त्म हैं और दाल वगैरह वैसे बनी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ एडिशन में क्या करूँ। तो खैर मैंने फ्रिज वगैरह को देखा तो मेरे पास एक टिन पड़ा था किडनी बीन्स का, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसका एडिशन कर लेती हूँ खाने के साथ, और चले खाने के साथ अच्छा सा एक एडिशन हो जाएगा कि जो कि फुल ऑफ फाइबर एंड स्ट्रेंथ है और बड़ा अच्छा है सेहत के लिए। रेड किडनी बीन्स इसके साथ साथ जैसे कि सफ़ेद किडनी बीन्स भी होते हैं और इसकी चाट भी बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन आज हम इनका बनाने जा रहे हैं ग्रेवी। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं लेकिन गाढ़ी सी ग्रेवी रखेंगे जो कि रोटी के साथ खाई जा सके। चावलों के साथ खानी हो तो आप ज़रूर उसके अंदर ज़रा शोरबा रखें ताकि चावलों के साथ ज़रा अच्छा लगता है। इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि एक टिन मेरे पास पड़ा है किडनी बीन्स का और साथ में मैंने एक छोटा प्याज ले लिया है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है बारीक। एक मैंने लिया है टमाटर, ये फ्रोज़न था तो इसलिए मैंने इसको चॉप करके यहाँ रखा है। एक है बड़ा साइज़ का, उसके साथ कोरिएंडर है, फिर लहसुन अदरक का एक टी स्पून दोनों मिलाकर, दो जबे लहसुन के ले लीजिएगा थोड़ा सा वो पीस ले लीजिएगा। इसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा है सफ़ेद। फिर मसालों में हमारे पास है गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और फिर नमक। नमक चूँकि बीन्स वगैरह में होता है थोड़ा नेचुरल, तो इसलिए हम नमक बहुत थोड़ा सा डालेंगे और जिसकी फिर आपने एडिशन करना हो अगर तो अपने जायके के मुताबिक कर लीजिएगा। इसी तरह आप लाल मिर्च का पाउडर भी जो है उसको भी आप हल्का या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन चार से पाँच टेबलस्पून जितना ऑयल लूँगी। और इसमें मैं अपने प्याज को ऐड कर दूँगी। जब गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसको ब्लेंडर में डाल के साथ में वो जो एक टमाटर मैंने निकाला हुआ है उसको भी इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसका स्मूथ सा मसाला बने जो कि फिर खाने में अच्छा लगे। तो चलिए हम इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। चलिए जब तक ये गोल्डन हो रहा है हम अपना बीन्स जो हैं उनको रिंस कर लेते हैं। ये मैंने टिन में से बीन्स को निकाल के छलनी में डाल लिया है और अब मैं इसको टैप वाटर के अंदर इसको अच्छी तरह से रिंस कीजिएगा क्योंकि ये ज़ाहिर है कि उन्होंने प्रिजर्व किया होता है, तो इसको अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। आपने कभी ये बहुत ज़रूरी हो तो ये बनानी चाहिए चीज़ें, वरना तो वही है कि वो बीन्स लेके उसको भगोया जाए। अब मेरे पास इस वक्त ऑप्शन नहीं था तो मैंने कहा कि चलें मैं इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये कभी कभार बनाने के लिए टिन रखे होते हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इमरजेंसी में, तो इसके लिए चाट के लिए भी जब इस्तेमाल करेंगे इस तरह भी या सैलड्स में डालने के लिए भी, तो इसको खूब अच्छी तरह से साफ़ पानी से रिंस ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये हमारे प्याज तैयार हो गए हैं, हम इनको निकाल के ब्लेंडर में डालते हैं और पैन को थोड़े से हटा लें। अब मैंने जो टमाटर निकाला हुआ था उसको मैं ब्लेंडर में डालूँगी। ब्लेंडर में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसके अंदर मैं टमाटर और प्याज जो मैं इसके अंदर से निकालूंगी अभी वो मैं डाल दूंगी और इसको खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि बड़ा स्मूथ सा हमारा मसाला बने। तो चलो मैं ज़रा निकालती हूँ। ये देखिएगा हमने खूब अच्छा सा स्मूथ इसको पेस्ट बना लिया है। अब हम अपने तेल में लहसुन अदरक डालेंगे और उनको हल्का सा कलर देंगे। तो ज़रा कलर आ जाएगा तो फिर हम ये जो पेस्ट बनाई है उसको उसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही मैं जो जीरा है वो भी शामिल कर दूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा भून जाए। जब देखिएगा हल्का सा कलर आ गया है हम अपना जितने भी मसाला जात हैं हमारे सूखे हुए जिसमें कि गरम मसाला, काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च,
है, हल्दी और नमक शामिल है, सब इसमें मिक्स कर देंगे। हल्का सा छीटा देंगे ताकि हमारे मसाले चले ना। हमारे बीन्स जो हैं वो चूँकि बिल्कुल गले हुए हैं, मुकम्मल तैयार हैं, तो हम मसाले को अच्छी तरह भून के बीन्स को जब मलाएंगे तो फिर हम उसको दम पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा भूनेंगे नहीं। इसलिए मसाला आप अच्छी तरह, ये देखिएगा ये मसाला अच्छा सा भून गया है। अब इसके अंदर हम जो पिसा हुआ प्याज और टमाटर है वो शामिल कर देंगे। चिकन वगैरह की भी जब आप कोई रेसिपी बनाते हैं, गोश्त की या जो हम शोरबा बनाते हैं उसको भी आप इस तरह फॉलो करें तो आपका जो शोरबा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, बड़ा ही स्मूथ और बड़ा ही क्लीन क्लियर था। तो चलिए इसको अब हम अच्छी तरह से भूनते हैं। मसाला जो है उसको एक आध दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मैंने अपने जग में जिसमें मैंने ये बनाया था चिकन में पानी डाल के ताकि सारा निकल आए, तो उसको ही मैं यूज़ करूँगी थोड़ा थोड़ा करके ताकि मसाला हमारा अच्छा सा बने, ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। इस स्टेज पे मेरे पास दरअसल आज वही बात है कि सब सब्जियाँ ख़त्म हैं, तो सब्ज मिर्च भी जो है वो भी नहीं है। इस स्टेज पर आप एक आध सब्ज मिर्च जरूर बीच में डालिएगा, उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये जो टिप्स वगैरह हैं ये बस इस वक्त काम आते हैं जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो और आपको कुछ एडिशन करनी हो खाने में, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक आध तेल इस तरह हर चीज़ का ला के रख लेती हूँ ताकि कभी अचानक से कोई आ जाए या आपको कोई सैलड में डालने के लिए कभी कभार चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो आप सैलड में डालने के लिए थोड़ी सी चीज़ को नहीं फिर उस वक्त उबाल सकते, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टेन अगर एक बार खुल जाए तो उसको आप छोटे छोटे सेक्शंस में करके तकसीम, तो उसके पैकेट बना के फ्रीजर में रख दें ताकि फिर उतना ही निकालें जितना आपको ज़रूरत हो। इस स्टेज पे आप अपना मसाला चख लें, मरच तो पूरी है, मैं थोड़ा सा नमक डालने लगी लेकिन हल्का सा डालूंगी क्योंकि अभी बीन्स जब मलाएंगे तो फिर हम देखेंगे, लेकिन मैं मसाले के मुताबिक थोड़ा सा डालूंगी। इतना सा डालूंगी फिर मैं बीन्स के खाने का कुछ फिर से चेक करूँगी। हमारे जो सालन होते हैं ग्रेवी वगैरह या दूसरे भी, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते घर पे, कभी कभार ज़रूर बनाते हैं स्पाइसी जब बेचारा हो, लेकिन जो रोज़मर्रा के हैं खाने वो माइल्ड सा ही होता है उसमें नमक मिर्च, इसलिए आप अपने जायके के मुताबिक कीजिएगा मसाला। बस अब ये भून जाए मसाला तो फिर मैं इसके अंदर बीन्स शामिल करती हूँ। मसाला खैर हमारा भून गया है क्योंकि रिलीज हो चुका है उसका तेल, सिर्फ मैं ज़रा थोड़ा सा और इसको कर रही हूँ ताकि अच्छा अच्छा जायका हो। चलिए तो हम अब इसके अंदर हिंदी में एक आध बार ज़रूर बीन्स को शामिल करें अपने खानों में, बड़ा ही अच्छा सोर्स है स्ट्रेंथ का, फाइबर का। अब हम इसी मसाले के अंदर इसको थोड़ी सी हल्की आंच पर रखेंगे ताकि भून भी जाए और एब्जॉर्ब भी हो जाए जो जायके हैं बीन्स के अंदर, और इसके जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसके अंदर बीन्स का थोड़ा सा जो इन्फ्लूस हो जाए जायका भी। तो चलिए इसको हम ढांकते हैं और मिलते हैं 3-4 मिनट के बाद। तो चलिए आए 3-4 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं अपनी, ये देखिएगा अच्छा सा भून गया है,
इसके अंदर मैं अब तकरीबन क्वार्टर से आधे कप से बराबर पानी डालूँगी, बस इतना। और हम इसे मिला के बस इसे हम अब बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे 4-5 मिनट रखेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा धनिया मैं इस वक्त शामिल कर रही हूँ और फिर बाद में उसको गार्निश कर लूँगी। सब्ज़ मिर्च ज़रूर डालिएगा, मेरे पास इस वक्त है नहीं इसलिए मैं डाल नहीं सकी। चले हम अब मिलते हैं 4-5 मिनट के बाद। चले जी देखते हैं अपनी बीन्स को, ये माशाल्लाह तैयार हो गई है हमारे खाना, तो हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा ग्रेवी कम करनी है तो फिर आप थोड़ा सा और पका लें, तेज़ आंच कर लें और इसको जितना सुखाना है सुखा सकते हैं। चलिए हमारी डिश तैयार हो गई है, देखिएगा बड़ी ही मज़ेदार बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीमू के साथ रखिएगा ताकि किसी को करारा पसंद हो तो वो पर लीमू छिड़क सकता है और इसे इंजॉय कर सकता है। चलिए जी इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।